नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के बारे में, जिसका यूज हम एज टूल कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम अपनी बच्चों के द्वारा जो आंसर शीट सबमिट की गई हैं उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कॉपीज करेक्शन कर सकते हैं, उनकी एरर्स को मार्क कर सकते हैं, या आपका कोई टीचिंग डॉक्यूमेंट है उसे भी आप एनोटेट कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप लिख कर या मार्क करके या फिर ड्रॉ करके बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टूल साबित होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। इसके लिए आप गूगल क्रोम पर जाएंगे, गूगल सर्च इंजन में यू हैव टू टाइप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र डाउनलोड। यू विल गेट लिंक डाउनलोड न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। आप यहाँ से देख सकते हैं इट इज़ लिंक फ्रॉम microsoft.com। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नाउ स्क्रॉल डाउन योर विंडो, यू विल गेट फोर ऑप्शन फॉर विंडोज, फॉर मैक ओएस, फॉर iOS एंड फॉर एंड्रॉयड। तो जनरली हमें हमारे सिस्टम में विंडोज़ ही डाउनलोडेड होती है, तो हम यहाँ पर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। Now you have to click on accept and download, then close। यहाँ left side में आप देख सकते हैं downloading start हो गई है। Now click on open। यहाँ ये permission मांगेगा आपसे, तो you have to click on yes। थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। नाउ इट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। आप यहाँ देख सकते हैं आइकन डिस्प्ले हो गया और ये माइक्रोसॉफ्ट एज की विंडो है। हमारा जो मेन टास्क था कि हम अपनी कॉपी इवेल्युएट करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल के फॉर्म में, जो हमारे पास आंसर शीट आई है, या कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ है उसे हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। दिस इज आवर फाइल स्ट्रिंग, इसे हम इवेल्युएट करेंगे। तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करेंगे इस पर फाइल पर, देन ओपन विथ। ओपन विथ में जाकर आपको चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपकी फाइल थी स्ट्रिंग डॉट पी डी एफ, ये ओपन हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के साथ। और यहाँ आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ड्रॉ, हाईलाइट, इरेज, ये सारे ऑप्शन आपके आंसर शीट को इवेल्युएट करने में हेल्प करेंगे। तो जब आपको इवेल्युएट करनी है देन यू हैव टू क्लिक ऑन ड्रॉ। आप कलर भी चूज कर सकते हैं किस कलर से आपको ड्रॉ करना है, डार्क रेड यूज कर लेते हैं। और इसकी हेल्प से आप कॉपीज चेक भी कर सकते हैं, मार्क्स देना है तो आप मार्क्स दे सकते हैं। इनकेस आप गलती से कुछ लिख गए हैं देन यू कैन इरेज इट यूजिंग इरेज। यहाँ इरेज हो जाएगा। किसी पोर्शन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन हाईलाइट। इसमें भी आपको कलर्स अवेलेबल हैं, किस कलर से हाईलाइट करना है। सपोज ग्रीन से करना चाहते हैं देन हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। केवल इवैल्यूएशन के पर्पस से ही नहीं, यदि आप टीचिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट यूज करते हैं और उस पर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं देन आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। देन अनदर टू ऑप्शंस आर देयर, दिस इज सेव एंड इट इज सेव एज। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने अभी रिसेंट चेंजेस किए हैं इन चेंजेस के साथ में ही जो आपकी करंट फाइल है करंट लोकेशन पर सेव हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि ओरिजिनल फाइल में चेंजेस ना हो, ओरिजिनल फाइल ऐसे ही रहे, इसकी एक कॉपी बन जाए जिसमें जो हमने चेंजेस किए हैं उसकी एक सेपरेट कॉपी बन जाए, देन यू शुड क्लिक ऑन सेव एज। यहाँ सेव एज पे क्लिक करेंगे और आप जिस नाम से चाहते हैं और जिस फोल्डर में चाहते हैं वहां पर, जैसे मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ, मेरी फाइल का नाम मैं स्ट्रिंग टू रखना चाहती हूँ, देन सेव। अब मेरी नई फाइल सेव हो चुकी है विथ दीज चेंजेस। तो आई होप इस टूल की हेल्प से आपको इवैल्यूएशन करना कॉपीज का और टीचिंग करना
आसान लगेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।